नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सुबह की राम राम की शुरुआत करते हैं टॉप 10 खबरों के साथ। यूपी समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में कोहरे की चादर छाई। सड़कों पर विजिबिलिटी लगभग शून्य। घने कोहरे के कारण गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। रेल और हवाई सेवाओं पर भी असर पड़ा, कई ट्रेनें लेट। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 19 आईएएस ऑफिसर्स का हुआ तबादला। सूत्रों के हवाले से खबर, कई जिलों के डीएम का भी हुआ तबादला। एएमयू को अल्पसंख्यक दर्जा देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। दर्जा मिल सकता है या नहीं, इस पर चल रही है कई दिनों से सुनवाई। अल्पसंख्यक दर्जे पर मापदंडों पर होगी सुनवाई। यूपी में हिंदुओं के धर्मांतरण मामले में शोआउट से यूनिवर्सिटी के वीसीआरबी लाल की याचिका पर होगी सुनवाई। पिछली सुनवाई में गिरफ्तारी पर रोक लगी थी, आज जमानत और एफआईआर रद्द करने की याचिका पर सुनवाई। प्रयागराज में प्रोफेसर पर लगा मारपीट का आरोप, छात्रों ने जमकर किया हंगामा, कार्रवाई की मांग। बहराइच में पेड़ के विवाद में दो पक्षों में खूनी संघर्ष, 7 लोग घायल। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में झोला छाप डॉक्टर का बड़ा कारनामा। डिलीवरी के दौरान पेट में छोड़ दिया कपड़ा। ऑपरेशन के बाद 15 महीने तक दर्द से तड़पती रही महिला, दोबारा ऑपरेशन के दौरान हुआ खुलासा। आतंकी संगठन सिमी पर 5 साल का प्रतिबंध बढ़ा। गृह मंत्रालय ने यूएपीए के तहत की गई कार्रवाई। सिमी पर आतंकवाद को बढ़ावा देने का भी आरोप। झांसी में एसएसपी दफ्तर के बाहर सास और बहू के बीच मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल।